बापूजी की कथा सुनकर, उनका प्रवचन सुनकर बड़ा आनंद हुआ। आप लखनऊ वाले भी आनंदित हो रहे हैं, लखनऊ के लोकसभा सदस्य के नाते मैंने कहा कि मैं बापूजी का अभिनंदन करने के लिए आया हूं। आप सबकी ओर से और अपनी ओर से भी मैं बापूजी के चरणों में बड़ी विनम्रता के साथ वंदन करना चाहता हूं। मेरे जैसे सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले लोग, वे आसाराम जी बापू जैसे संतों का आशीर्वाद प्राप्त करके ही जो कुछ कर रहे हैं वो कर सकते हैं। आप जैसे महापुरुषों का आगमन और हम सब लोगों का मार्गदर्शन, ये हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। आप दीर्घजीवी हों, शतायु हों और हमारे देश का मार्गदर्शन इसी प्रकार करते रहें। नमस्कार, प्रणाम। मेरा अवसर सौभाग्य रहा है कि जीवन में जब कोई नहीं जानता था, उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं, स्नेह मिलता रहा है, आज भी उतना ही स्नेह मिल रहा है। मैं बापू के श्री चरणों में वंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। आ जाओ साधु बाबा मुख्यमंत्री। नारायण नारायण नारायण। महामानव ने जिस दिव्य चेतना ने इस धरा के ऊपर धर्म, संस्कृति, अध्यात्म और भारत की उदात्त परंपराओं को पूरी ऊर्जा के साथ स्थापित किया हो, ऐसे महापुरुष के मन दर्शन करो ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। इसलिए स्वयं यहाँ पर मैं अपने आप को आकर के धन्य और कृतार्थ महसूस कर रहा हूँ।